अब आप तब भी चावल बनाएंगे, एक कटोरी जरूर बचा कर रखेंगे। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके लिए मेरे पास ये एक कटोरी पके हुए चावल है। अब इस तरीके से कोई भी एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें चावलों को डाल देंगे। अब ये 200 ग्राम साबूदाने लिए हैं, इनको करीब 5 से 6 घंटे भिगो लेंगे। ये साबूदाने देखिए अच्छे से भीग गए हैं, अब इनको भी इसी में डाल देंगे। अगर आप चाहो तो साबूदाने को स्किप कर सकते हो। अब ये 5 उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को भी कद्दूकस से घिस के इसी में डाल देंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया है। अभी कॉर्न स्टार्च लिया है, ये 100 ग्राम का पैकेट है, पूरे पैकेट को इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 कप बेसन डालेंगे, अगर आप चाहो तो इसमें कॉर्न स्टार्च और बेसन की जगह अरारोट या फिर मैदा भी डाल सकते हो। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें कॉर्न स्टार्च की बेसन की क्वांटिटी अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। इनको इस तरीके से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसमें से अपने पसंद के हिसाब से शेप में टिक्के बनाएंगे। जितनी बड़ी हमें टिक्के बनानी है उतना मिक्स लेंगे। मैं इसकी इस तरीके से थोड़ी चौकोर टिक्के बनाऊंगी। आप इनकी शेप अपनी पसंद के हिसाब से रख लें, गोल या फिर चौकोर, जैसे भी आपको सही लगे। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पूरे मिक्स की टिक्की बना ली है, अब इनको फ्राई करेंगे। ऑयल भी देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक करके टिक्किया को इसमें डालेंगे। इसमें एक बार में जितने भी टिक्के आसानी से आ जाएंगे उतने डाल देंगे। इनको हाई फ्लेम पे सब तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इनको सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये टिक्के देखिए सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब हमें जितने भी टिक्के चाहिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये टिक्किया भी फ्राई हो गई हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। अब इनको इस तरीके से सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च की चटनी डालेंगे। अब इमली की चटनी डालेंगे। अब इस पे दही डालेंगे।
अब इस पे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। अब इस पे थोड़ा सा सिके हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। अब इस पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। अभी हमारी चाट सर्व करने के लिए रेडी है। ये हमारी बहुत ही बढ़िया चाट बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।